नमस्कार बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्याएं जो रूट में रहती हैं वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसको सिद्ध करके हमको दिखा देना है, तथ्यों के आधार पर इसको सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसका उल्टा विपरीत मानेंगे हम। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब परिमेय संख्या है तो रूट 5 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू के, क्योंकि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होती है, पी बटा क्यू के रूप में, जहां जहां पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है जिनका जिनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है तथा क्यू बराबर नहीं जीरो के। ध्यान दीजिएगा इस पर, इस जो कोष्टक हम लिखे इस पर विशेष ध्यान देना है कि जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं, इस बात को ज़्यादा आपको समझना है कि ये जो पी और क्यू हैं एक के अतिरिक्त इनका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त दूसरा मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 3/5 है, इसको एक से ही काटा जा सकता है, दूसरा से काटा नहीं जा सकता है। ऐसे रूप में है, यानी अपने निम्नतम रूप में है, उसको अब दोबारा हम किसी संख्या से दूसरे से नहीं काट सकते हैं, केवल एक ही उसका गुणनखंड है, एक से ही काट सकते हैं, दूसरा किसी से उसको नहीं काट सकते हैं। अब देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर हम वर्ग करेंगे तो जगह 5 का स्क्वायर बराबर जाएगा पी बटा क्यू का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर करना तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 50 25 वर्गमूल 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तीछा तीछी तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर के, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, जैसे हम एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लीजिए संख्या अगर 10 है तो ये 10 है, ये 15 है तो ये 15 है, और यहाँ 5 गुना क्यू स्क्वायर के रूप में है, यानी गुणनखंड के रूप में है। इसका मतलब ये संख्या संख्या को काटेगा, जरूर काटेगा इसको। तो लिखेंगे चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा। देखिए 5 जब पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, ये सूत्र है। 5 जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, किस संख्या के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, ये एक सूत्र है। तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। पुनः फिर माना कि पी बराबर, अब पी को हम मान लेंगे 5 आर, आर के रूप में मानेंगे, जहां आर एक पूर्णांक है, जहां आर भी एक पूर्णांक है, जहां आर एक पूर्णांक है, जहां आर एक पूर्णांक है, हमने क्या मान लिया पी बराबर 5 आर बराबर, यानी पी को 5 आर के रूप में माना जहां आर एक पूर्णांक है। अब सवाल उठता है कि सर आप 5 आर क्यों माने हैं, आप 3 आर क्यों नहीं मान लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब रूट 5 को सिद्ध कर रहे हैं तो 5 आर मानेंगे, जब रूट 3 को सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ 3 आर मानेंगे, जब रूट 2 को सिद्ध करेंगे तो यहाँ 2 आर मानेंगे। समझ में आ गया, इसलिए पी बराबर 5 आर। इसलिए यहाँ देखिए 5 की वाई स्क्वायर तो ठीक है, और यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर है, तो 5 आर का स्क्वायर हो जाएगा, 5 आर का स्क्वायर हो जाएगा 5 की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। अब इसको भी काट लीजिए, 5 से 2 काटेंगे, 50 25, यानी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 आर स्क्वायर। अब यहाँ फिर देखिए उसी तरह का बात, यहाँ जो सिचुएशन यहाँ आया था वही सिचुएशन यहाँ आ गया, ये 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि दोनों संख्या बराबर है तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब लेकिन चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा,
पांच पी को विभाजित करेगा। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए, यहाँ पांच पी को विभाजित कर रहा है और यहाँ पांच जो है क्यू को विभाजित कर रहा है, यानी पांच पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। पांच जो है ऐसा, पांच एक ऐसी संख्या है जो पी को विभाजित कर रहा है और क्यू को विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने क्या माना है, हमने माना है कि पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक का भी कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। हमने मान लिया कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ जब बनाते गए हैं तो यहाँ आ रहा है कि पांच पी और क्यू को विभाजित कर रहा है। यानी कि चूंकि पांच पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, पांच पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, लेकिन हमने क्या माना है कि पी और क्यू का एक अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो हमने जो माना है वो हमारा काम गलत है। हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। हमने माना है कि पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। हमने माना है कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, जो गलत है। हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 5P और Q दोनों का विभाजित करता है, दोनों का गुणनखंड एक है 5, इसलिए हमने जो माना वो गलत है। तो हमने जो माना वो गलत है, इसका मतलब हमारी कल्पना क्या हुई, हमने कल्पना जो किया था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या गलत हो गया, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। तो जब हमारी कल्पना गलत हुई, इसका मतलब जो प्रश्न कहता है वो सत्य है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित हो गया। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सत्यापित हो गया। तो बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है इसके पीछे वाले, चाहे कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिएगा, सर मुझे ये क्वेश्चन बताइए, तो मैं इसको जरूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभरात्रि।